मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु जयतुशासनं वन्दि तु स्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पौर् नमो सुधकेवलीभणिनं समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत शक्तियां उल्लसित यद्यपि आतम ज्ञान मात्र के ज्ञान को सैताली बखान आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम की आचार्य अमृत चंद्रकृत आत्मख्याति टीका परिशिष्ट में आत्म स्वभाव की महिमावाचक सैतालीस शक्तियों का वर्णन अमृत चंद्राचार्य ने किया है उनके हम क्रमशः चर्चा कर रहे हैं कितनी शक्तियों की चर्चा हो गई है पंद्रह शक्तियों की चर्चा हुई है उन पंद्रह शक्तियों को शक्तियों का मूल से अपन पाठ करते हैं आपने ध्यान से सुना है उनका भाव ख्याल में लेने का प्रयास करना इसी के साथ साथ एक और बात पूछूंगा पंद्रह शक्तियों की चर्चा के बाद इनमें से कितनी शक्तियाँ मात्र जीव पर ही घटित होती हैं और कितनी शक्तियाँ ऐसी हैं जो सब द्रव्यों पर घटित हो सकती है अभी तक में जितनी हुई बाद में तो और अभी बहुत आएंगे इस तरह से आत्मद्रव्य भूत, चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षण जीवत्व शक्ति अजड़वात्मिका ही अनाकार उपयोगमयी दृषि शक्ति, शक्ति ही, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति ही

विश्व विश्व विशेष भाव परिणत सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मज्ञानमी आत्म प्रदेश लोका लोकाकार मेचक उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति स्वयं प्रकाश्मा विशद प्रकाश शक्ति क्षेत्र असंकुचित विकासत्व शक्ति अन्य क्रियमान अन्य कारक एक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति परात्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्रहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति इस तरह पंद्रह शक्तियों की अपन चर्चा की है कौन सी शक्ति ऐसी लगी जो सब द्रव्यों पर घटित तो हो सकती है कोई भी नहीं चार शक्तियां नहीं। कोई दो का इशारा कर रहा है पहले ज्यादा वाले बहुमत की बात करते हैं चार कौन कौन सी अकार्य कारणत्व शक्ति वीर्य शक्ति जी प्रभुत्व और विभुत्व शक्ति अभी और भी जी। वैसे असंकुचित विकास तत्व भी कह सकते हैं परंतु उसमें उचित विलासात्मिका वह विशेष रूप से जोड़ा है इसलिए वो चिद्विलास आत्मक होने से मात्र आत्मा की मुख्यता से ली गई यदि इधर से हम प्रारंभ करें तो वीर्य शक्ति क्योंकि वीर्य स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूप है तो प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप रूप रहने का सामर्थ्य और स्वरूप रूप ही उनकी पर्याय हो बल्कि जीव पुद्गल को छोड़कर बाकी द्रव्यों की पर्यायों की रचना भी स्वरूप रूप ही होती है विकृत तो, तो होती नहीं है सहज ही स्वरूप रूप होती है और पुद्गल में भी अपना वीर्य है सब में है अपना अपना वीर्य, वीर्य शक्ति उस दृष्टि से सब में कह सकते हैं ऐसे प्रभुत्व और विभुत्व भी जो है प्रत्येक द्रव्य अपने आप में प्रभु है और प्रत्येक द्रव्य अपने भावों में स्वयं में व्याप्त है अपने समस्त भावों में अपने गुण पर्यायों में इसलिए विभुत्व भी सभी द्रव्यों में घटित हो सकता है असंकुचित विकास यद्यपि उनका भी सबका अपने अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास होने का सामर्थ्य सब द्रव्यों में है उस दृष्टि से लिया जाए तो असंकुचित विकासत्व तो भी कह सकते हैं अकार्य कारणत्व शक्ति में यद्यपि आत्मा शब्द का प्रयोग है लेकिन वह आत्मा शब्द आत्मा के लिए वो जरूरी नहीं है शब्द ये है अन्य अक्रियमान अन्य अकारक एक द्रव्यात्मिका माने एक द्रव्यात्मक एक द्रव्य रूप तो चूंकि किसी से किया गया हो किसी ने किया हो तो उसका कुछ अंश उसका प्रभाव उस पर आने की संभावना और यदि वह किसी दूसरे को करता है उसका दूसरे में मिलने की फिर वह अपने द्रव्य रूप रहता है तो एक द्रव्यात्मक तो सभी द्रव्य अपने आप में अपने द्रव्य स्वरूप है और सारे ही द्रव्य न किसी के कार्य है न किसी दूसरे के लिए कारण बनते हैं इसलिए ये शक्ति भी सभी में घटित होती है कल परिणम्य परिणामकत्व शक्ति हमारे ज्ञान स्वभाव की ऐसी क्या विशेषता है कितना यानी कितने दृष्टिकोण कितने एंगल है उस ज्ञान के संदर्भ में चार दृष्टिकोणों को लेकर के एक साथ एक शक्ति के रूप में दिया नाम दे दिया परिणम्य परिणामकत्व शक्ति परिणम्य किसको किसके साथ जोड़ा है परिणम्य और परिणामत्व जानना और जानने में आना ये दो तरह से जो दिया है ना इसमें परिणम्य शक्ति का कार्य है स्व पर को जानना इसको परिणम्य के रूप में लिया और परिणामक तो शक्ति का कार्य स्व पर के द्वारा जानने में आना जानने में आना वो परिणामक लिया और जानना उसको परिणम्य लिया जानने के कार्य को परिणम्य और जानने में आने को परिणामक और चार दृष्टिकोण कौन, कौन कौन से थे इसमें शब्द थोड़े इधर उधर हो जाते हैं देखिये सीधे सीधे चार बिंदु मैं स्वयं को जानूं पर को भी जानूं स्वयं के द्वारा जाना जाऊं और पर के द्वारा भी जाना जाऊं अब परिणम्य और परिणामक लेना हो तो परिणम्य जानना है ना तो स्व पर को जानना वो परिणम्य और परिणामक स्व पर के द्वारा जाना जाना अब ये जो चार विशेषताएं ली इन चार विशेषताओं के कारण से इसके लाभ भी बहुत हो गए कल थोड़ी चर्चा की थी आज पुनः एक बार अपन दोहराते हैं आपके पास अनुशीलन है तो अनुशीलन से सीधे पॉइंट वाइज दोहराते हैं अब मैंने जो नोट किया उस हिसाब से आठ लाभ निकाले हैं इसमें से आठ पेज नंबर 370 पर पहला लाभ चूंकि स्वयं स्वयं के द्वारा जाना जाता है तो दो विशेषताएं हुई स्वयं के द्वारा जाना जाना और स्वयं को जानना तो स्वयं स्वयं को जानता हूं इसमें से लिया 370 पेज पर स्वयं के आत्मा को स्वयं ही जानने का पुरुषार्थ जागृत होता है स्वानुभूतिया चकाशते स्वानुभव से प्रकाशित होने का सामर्थ्य है तो मैं स्वयं को स्वयं के द्वारा जान सकता हूँ जानने में आता हूं और मैं जान सकता हूं दोनों तरफ की शक्ति होने से अब हम जब किसी कार्य को किया जा सकता है ये समझ में आ जाए तो उसके प्रति उत्साह जागृत हो सकता है पहला लाभ लिया दूसरा पर को जानने की शक्ति है हमारे में स्वभाव है पर को जानना भी सहज हमारा स्वभाव है तो जब पर को जानना स्वभाव है तो हमें कदाचित ऐसा लगे कि मेरा ज्ञान तो पर को जानने में लगा हुआ है तो पर को जानकर मैंने कोई अपराध किया है इस प्रकार का अपराध बोध समाप्त हो जाता है जानने में दोष नहीं है जानने के बाद एकत्मत्व करने में दोष है तो एकत्मत्व का निषेध है जानने का निषेध नहीं है जैसे सहज जानने में आ जाए इसमें कोई अपराध नहीं है तीसरा उसके अगले पैराग्राफ में परजीव मुझे जानते हैं अर्थात मैं उनके ज्ञान का गे बनता हूं ना तो परजीव मुझे जानते जान सकते ऐसी शक्ति का भान होने पर गुप्तता का भाव समाप्त हो जाता है अपने अपने कार्य कुछ गुप्त रखूं यदि किसी ने जान लिया क्या बिगड़ा क्यों जान लिया उसने सबने क्यों जाना तो स्वभाव था उनके तो उनका जानने का स्वभाव होगा ना मुझे क्यों जाना मेरे संबंध में क्यों जाना तो मैं उनके जानने में आऊ ये मुझमें स्वभाव पड़ा था इसलिए सहज ज्ञान का विषय बना तो इसलिए मैं कुछ अपनी बातें गुप्त रखूं ये सब स्वभाव की बातें चल रही हैं, लोग व्यवहार की बातें नहीं है व्यवहारिक दृष्टिकोण जो अपनी जगह होता है वो अपनी जगह हो लेकिन ये यदि कदाचित मुनिराज क्या गुप्त तो होता है मुनिराजों का क्या गुप्त तो हो सकता है होना चाहिए क्या है जाने उनके जीवन को पूरा जान ले वो जहां रहते हैं ना विमोचितावास शून्यागार गारे जहां रहते हैं तो किवाड़ नहीं होते कदाचित तो हो तो कुंडी नहीं होती और कदाचित तो हो तो लगाते नहीं है खुला है सभी खुला ही है क्या दिक्कत है उसमें जाने क्यों जाना मैं उनके जानने में आऊं ये भी मेरे में सहज स्वभाव पड़ा तो गुप्तता का भाव समाप्त हो जाता है चौथा तीन सौ इकहत्तर पेज पर तीसरी पंक्ति मैं दूसरे के जानने में आता हूं ना उसका लाभ क्या और जब हम एक आदि पर्यायों में रहे तब यदि परजीव हमें जान भी न पाते तो फिर वे हमारी दया कैसे पालते तो मैं उनके जानने में आता हूं तो दया का पालन हो जाता है और दूसरी तरफ ये तो मेरी दया अब दूसरे अगले पैराग्राफ में यदि मैं पर को नहीं जानूंगा तो उनकी दया कैसे पालूंगा यदि परजीव मुझे नहीं जानेंगे तो वे भी मुझसे जीव के समान व्यवहार कैसे करेंगे इसलिए दोनों तरफ की स्व पर की दया का पालन इसी के आधार से होगा और इसी आधार से कहा पूरा चरणयुग एक तरह से इस पर आधारित हुआ अहिंसक आचरण वाला चरणान योग इसी पर आधारित हुआ छठवा यदि हम अपने को ही जाने पर को नहीं जाने तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति भी नहीं हो सकती तो भक्ति पूजा स्तुति वंदना मुनिराज और श्रावक दोनों के षट आवश्यकों में स्तुति भक्ति वंदना शामिल है गृहस्थ के लिए देव पूजा गुरु पास्ती, स्वाध्याय मणिराज के लिए भी तुति उचारे वंदना जिन देव को स्तुति करते वंदना करते हैं और करे श्रुति रति, स्वाध्याय करते हैं माने ये सभी पर को जाने बिना संभव नहीं है तो भक्ति संभव नहीं और यदि पर कोई जाने अपने को नहीं जाने तो आत्मध्यान नहीं हो सकता स्वयं का ध्यान नहीं हो सकता और अंतिम निष्कर्ष के रूप में निकाला यदि हम पर के द्वारा नहीं जाने जावे तो गुरु हमें देशना कैसे देंगे तो देशना लब्धि नहीं हो सकेगी तो हमें देखकर देशना देते हैं तो देशना लब्धि में निमित्त पर के द्वारा जाना जाना यदि हम स्वयं के गेय न बने तो लब्धि संभव नहीं है स्वयं को जानकर स्वयं में लीन हो तो करण लब्धि बन सकती है इस तरह परिणम्य परिणामकत्व शक्ति ये जो चार दृष्टिकोण इसमें से निकलते हैं इनके द्वारा इतने सारे लाभों की चर्चा इसमें की गई है अब अगली शक्ति है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति शब्द से तो हमें इतना तो ख्याल में आ रहा है त्याग माने छोड़ना त्यागना उपादान माने ग्रहण करना और इन दोनों से शून्य पने की शक्ति है त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति हेतु क्या स्वरूप क्या है उसका मूल इसका शक्ति का लक्षण अन्यूनातिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति स्वरूप नियतत्व रूपा स्वरूप में नियत निश्चित स्थित रहना माने जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा बना रहना उसमें कुछ भी घटाबड़ी नहीं घटाबड़ी नहीं होने वाला तो शायद अगला ही है घटाबड़ी नहीं होने वाला अगला है और घटाबड़ी नहीं होने वाला अगला उसका नाम है और उसमें कितनी घटाबड़ी होती वो बताएंगे क्या वो आ, आगे उस पर चर्चा करेंगे करे, स्वरूप नियतत्व रूपा स्वरूप में वैसा का वैसा रहना नियतत्व क्यों क्योंकि अन्यून अतिरिक्त वो अतिरिक्त जो शब्द है वो अनतिरिक्त होना चाहिए पहले वाला उसके साथ भी जुड़ेगा तो अन्यून अनतिरिक्त। ये स्वरूप भी वैसे सब द्रव्यों में घटित होने वाला है अकेले आत्मा में नहीं आत्मा की बात चल रही हमारी आत्मा में कुछ भी न्यून नहीं है न्यून माने क्या होता है कम होना थोड़ा सा कम होना कुछ भी न्यूनता नहीं है कुछ भी कमी नहीं है यदि कमी हो कुछ तो दूसरे से लेना पड़े हाँ इसमें क्रम भी मत लगाना ऐसा अन्यून इसलिए त्याग शून्य और अतिरिक्त इसलिए उपादान शून्य ऐसा क्रम नहीं लगाना या अन्यून अतिरिक्त लिया है उधर त्यागोपादान लिया है ये तो आपके संस्कृत का नियम होता है संस्कृत का शब्द जो बनता है दो शब्द मिलकर के बनेंगे तो उसका एक नियम होता है अल्पाच तरत्वाच जिसमें अल्पचअ कम शब्द होते हैं वो पहले आता है त्याग उपादान तो त्याग शब्द में कम है इसलिए पहले आएगा अन्यून अतिरिक्त तो अतिरिक्त अतिरिक्तान्यून नहीं होगा अन्यून अतिरिक्त इसलिए वो वो संस्कृत की दृष्टि से आगे पीछे हुए मुझमें कुछ न्यूनता नहीं है कोई कमी नहीं है इसलिए कुछ भी उपादान की जरूरत नहीं है ग्रहण करना किसी से कुछ ग्रहण करना एक कमी को बताता है यदि हम किसी से कुछ ग्रहण करें इसका मतलब हमारे में कुछ कमी थी तो ग्रहण करना पड़ा अन्यून कुछ भी कमी नहीं है गुरुदेव एक आनंद जी का भजन बहुत सुनाते हैं अनेकों बार सुना होगा प्रवचन में प्रभु तो काई बातें अधूरा प्रभु तो बातें अधूरा पर की आस करे क्यों मूरख तू सब बातें पूरा सब तरह से परिपूर्ण है और परिपूर्ण है तो फिर पर की आस पर से अपेक्षा करना पर के कुछ ग्रहण की इच्छा करना आवश्यकता है अन्यून ठीक है पर से तो ग्रहण की जरूरत नहीं है बहुत है हमारे पास में आ पीछे ये तो अनंत शक्तियों की बात चल रही है ना कितनी शक्तियां कितना सामर्थ्य महिमा करते हुए जैसा गुरुदेव कहते हैं पुनः पुनः गुणों का गोदाम शक्तियों का संग्रहालय तो हमारे में तो गुणों का गोदाम भरा हुआ है तो इतना भरा हुआ है गोदाम तो फिर दे तो सकते हैं ना बहुत हो तो देना चाहिए ना अनुग्रहार्थम सर्गो दानम दान की प्रेरणा देने के लिए कहते हैं ना कूप जल सम दरब घर में परिणव्या निज हाथ दीजे साथ लीजिए खाए खोया बह गया बहु धन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार सो बहुत है आपके पास में लेकिन वो दूसरों के काम में तो अच्छा है ना इसलिए देना चाहिए वो उसकी बात भी अभी बाद में करेंगे अभी तो यहाँ कह रहे हैं आत्मा के पास अनंत गुण अनंत शक्तियां अनंत धर्म सब हैं बहुत है परंतु उसमें से एक भी अधिक नहीं है ज्यादा नहीं है अतिरिक्त नहीं है एक्स्ट्रा नहीं है वो परीक्षा में चले जाते हो ना और परीक्षा में कभी कभी किसी किसी का पेन अटक जाता है रुक जाता है तो फिर क्या करते हो भैया देना अब दूसरा क्यों कैसे दे पाएगा तो आप पहले से ये कहते हो एक्स्ट्रा हो तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एक ही हो तुम्हारे काम आ रहा है तो तुम कैसे दोगे एक्स्ट्रा हो तो यही तो कहते हो ना तो एक्स्ट्रा हो तो ही देते हम आत्मा के पास जितने अनंत गुण धर्म शक्ति जितने जो कुछ भी है ना उसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है तो एक्स्ट्रा नहीं है इसलिए त्याग छोड़ दे नहीं सकते अच्छा दे नहीं सकते के साथ यहां त्याग शब्द का प्रयोग किया है त्यागना मतलब निकाल लो कभी कभी घर में ऐसे हो जाते हैं ना कि बहुत सारी बातें निरर्थक रखी है ऐसा निकाल दो इनको छोड़ दो आत्मा में भी व्यर्थ की भी ऐसी चीजें नहीं है जिनको छोड़ा जाए निरर्थक भी चीजें ऐसी नहीं है जो माने यहाँ तो अतिरिक्त शब्द का ही प्रयोग किया त्याग शब्द किया तो त्यागना तो बुरी चीजों को होता है ना बुरी हो बिना काम की हो तो बिना काम की नहीं है बुरी नहीं है और अतिरिक्त भी नहीं है कोई भी डबल नहीं है कैसी डबल नहीं है अभी आप यहीं गिनाओगे सैतालीस में तो डबल गिना दी भाव शक्ति दो बार आई है ना भाव शक्ति दो बार आई है लेकिन वो वो दो अलग अलग तरह की भाव शक्ति है बहुत जगह तो ये कहा है भाषा की कमजोरी है वहाँ गुण अलग अलग हैं स्वभाव अलग अलग है लेकिन वो गुण स्वभाव विशेषता अलग अलग होने पर भी उसे क्या शब्द दे तो वो वो एक ही शब्द दिया भाव शब्द ही दिया लेकिन दोनों गुण शक्ति अलग अलग तरह की अतिरिक्त है ही नहीं एक्स्ट्रा है ही नहीं बिना काम की नहीं है जो छोड़ना पड़े या देना पड़े एक भी शक्ति या गुण निकाल दे दिया तो क्या होगा एक भी शक्ति या गुण निकाल दिया तो क्या होगा वस्तु नहीं रहेगी द्रव्य नहीं रह पाएगा पूरा द्रव्य नष्ट हो जाएगा इसके लिए तो मैं वैसा उदाहरण देता हूं जेम्स एक विज्ञापन आता है ना जेम्स गोलियां होती है रंग बिरंगी उसकी जो गोलियां होती उसका एक विज्ञापन आता है अब वो जेम्स की गोलियों से छोटे छोटे एक बहुत बढ़िया एक वो बना देता है कुछ रचना बना देता है और बहुत बढ़िया रचना बना दी बन गई लेकिन वो जेम्स तो बहुत स्वादिष्ट है तो उसे मन लल चाहता है तो हजारों गोलियों से बना दिया है एक गोली निकाल लेते हैं क्या फर्क पड़ता है एक गोली निकाल के चख लेते हैं तो एक गोली निकालता है तो क्या हो जाता है वो तो पूरी रचना ढेर हो जाती है तो ऐसे ही समझ लो वो अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक में से यदि एक गुण निकल गया एक गुण निकाला अतिरिक्त समझकर बहुत दूसरे को जरूरत थी ऐसा समझकर कुछ भी यदि निकाला तो द्रव्य ही नहीं बचेगा बाने वो सबका मिलकर के द्रव्य है एक एक की आवश्यकता है आवश्यकता उसके कारण वह द्रव्य टिका हुआ सबके कारण से कोई निरर्शक नहीं है द्रव्य की सत्ता उन सबके कारण से है इसलिए छोड़ नहीं सकता निकल नहीं सकता है ऐसा अन्यून अतिरिक्त स्वरूप और इसीलिए नियतत्व अधिक ग्रहण करे तो अनादि का जो स्वरूप है वैसा का वैसा स्वरूप नहीं रहेगा ग्रहण किया तो बिगड़ जाएगा स्वरूप अलग हो जाएगा ग्रहण करने से निकाल दिया तो वैसा स्वरूप नहीं रहेगा इसलिए न त्यागता है न ग्रहण करता है त्याग ग्रहण नहीं करने की शक्ति त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति क्यों नहीं करता कि अन्यून अतिरिक्त ना अन्यून है ना अतिरिक्त है न कम है ना अधिक है श्राव काचार में मेरे ख्याल से सम्यक ज्ञान का लक्षण दिया सम्यक ज्ञान उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया ऐसा ही जानना अन्ूनम अनातिरिक्तम यथातथ्यम विनाच विपरीता निस्संदेह वेद त्ञानम बाहू आगमिना उसे आगम के जानकार ज्ञान कहते हैं यथार्थ ज्ञान किसको अन्यून अतिरिक्त वहां तो हम वस्तु के संदर्भ में भूल करते हैं अब उस भूल को निकालने के लिए कह रहे हैं जीव कौन है कौन जीव कौन तो हम जीव को जानना चाहते हैं जीव को देखना चाहते हैं तो जीव को जीव रूप देखो लेकिन जीव रूप न देख करके उसे और मिला करके पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल ताकोण जान विपरीतमान करी करे देह में निज पिछा ये देह सही ये जीव है मनुष्य जीव त्रियअंश जीव ये मिला करके जाना ये रागी जीव द्वेषी जीव संसारी जीव ये, ये मिला करके जाना ये हमने एक तरह से अतिरिक्त जाना कम भी जानना हो सकता है कैसे ये तो अल्प ज्ञानी है ये तो दुखी है पूर्ण सुख हो ही नहीं सकता है पूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता है सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व शक्ति संपन्न है तो अल्पज्ञ ही मानना हो ही नहीं सकता ऐसा स्वीकार करना अपने आप को हीन समझना न्यून समझना हुआ कि नहीं अतिरिक्त भी नहीं और कम भी नहीं या था तथ्यम जैसा है वैसा तो आत्मा का स्वरूप भी न अधिक है न कम है स्वरूप निय तत्वरूप जैसा है वैसा का वैसा है इसलिए वो न कुछ त्यागता है न कुछ ग्रहण करता है ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति लेकिन ये शंका तो खड़ी होती है बहुत सा त्याग करते हैं बहुत ग्रहण करते हैं अब रोज वाले ग्रहण त्याग की बात अपन गौन करे भले ही रोज भोजन ग्रहण करते हैं लेकिन चलो आहार भी ग्रहण करते हैं और उपवास करते हैं तो आहार छोड़ते हैं आहार का आज हमारे आहार का त्याग है तो त्यागते भी है छोड़ते भी है और ग्रहण भी करते हैं यहाँ तक कि ये भी कहा मुनि बनते हैं तो त्यागते है ना जी ने तो लिखा अरंत भगवान का स्वरूप देते हुए ग्रहस्त पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय कर अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए तो ग्रहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर किया ना त्यागा भी और ग्रहण भी किया तो त्यागना और ग्रहण करना हुआ कि नहीं हुआ तो इन सब के संदर्भ में कहा ये सब उपचारित कथन है उपचार से कहा गया ग्रस्त बना छोड़ा ये भी लिखा है दादा ने जब चक्रवर्ती बने चक्रवर्ती मुनि बने तो क्या क्या छोड़ा घोड़ अठारह घोड़े छोड़े लख चौरासी हाथी ये सब छोड़े ना छः खंड का राज्य छोड़ा अठारह करोड़ घोड़े छोड़े चौरासी लाख हाथी छोड़े छानवे हजार रानिया ये सब त्यागा ना क्या त्यागा अठारह करोड़ घोड़े एक साथ छोड़े होंगे तो क्या हुआ होगा फिर एकाद हाथी यदि कोई बिचक करके शहर में आ जाए क्या हो जाए इसीलिए तो अब जुलूसों में हाथी प्रतिबंधित हो गए और चौरासी लाख हाथी छोड़ दिए तो तो छोड़े माने क्या किया था क्या छोड़ा अभी तक ये जानते थे कि ये मेरे हैं मानते नहीं थे क्यों मानते क्यों नहीं थे क्योंकि सम्यक दृष्टि थे लेकिन वो जो चारित्र मोह जनित चारित्र मोह जनित राग था और साथ में पुण्य का नियोग था चक्रवर्तीत्व के पुण्य का नियोग था उतना संयोग था तो उस संयोग के कारण ये मेरा ऐसा जानते थे और अब उनके प्रति राग टूटा अब ये जाना कि ये मेरे नहीं है यही तो हुआ जाना यही त्याग हुआ इसलिए पीछे पहले पूर्व रंग पीठी में ही चौतीस पैंतीसवीं गाथा में कुंद कुंड आचार्य ने ही ज्ञान ही प्रत्याख्यान सिद्ध किया है प्रत्याख्यान माने त्याग ज्ञानी प्रत्याख्यान सव्य भावे जम्मा पचक खाई परेती दूणम तम्मा पचक खाणम नानम नीमा मुणेदम दम जब ये जीव सारे परद्रव्यों को पर है ऐसा जानकर त्यागता है तो त्यागता है माने जाना ये पर है ऐसा निर्णय किया इसी का नाम छोड़ना है उनको और कुछ नहीं छोड़ना है क्या छोड़ा इसलिए वह छोड़ना उपचरित कथन है इसलिए उपचरित का और ये पर द्रव्यों के संदर्भ में इसलिए उपचरित असद्भूत व्यवहार ने कहा इसको अच्छा उन्हें तो नहीं छोड़ा लेकिन उनके प्रति राग था वो राग तो छोड़ा ना अभी चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं इसलिए हम राग की बात कर रहे और जिन्हें पहले मिथ्यात्व जिनका छूटा कि मेरा है ऐसा मेरा पना छूटा उन्हें मिथ्यात्व तो छोड़ा ना कुछ भी ज्यादा नहीं है त्यागने की बात नहीं करते हैं तो मोह राग द्वेष विकार ये सब ज्यादा है ना ये तो त्यागना चाहिए ना ये तो छोड़ना चाहिए ना ये आत्मा की शक्तियों की बात चल रही है द्रव्य स्वभाव की शक्तियों की बात चल रही है और वो जो हमारा आत्मा का द्रव्य स्वभाव है उस द्रव्य स्वभाव में मोह राग द्वेष नहीं है पीछे किसी प्रकरण में अपन में विज्ञान घन की बात की थी विज्ञान घन स्वभाव है हमारा अविज्ञान घन है माने ठोस है कि राग रागद्वेश प्रवेश नहीं कर सकते इनका अंदर प्रवेश नहीं है तो ये तो है ही नहीं उसमें राग रागद्वेश मिथ्यात्व है नहीं तो त्यागने की बात नहीं है लेकिन जब पर द्रव्य नहीं त्यागते हैं तो पर द्रव्य मेरा ऐसा जो मिथ्यात्व का परिणाम है ये तो त्यागते ना ये तो छोड़ते है चक्रवर्ती उनके प्रति राग तो त्यागते राग तो त्यागना चाहिए ना उसको भी कहते हैं राग का भी त्याग आत्मा ने नहीं किया उसका भी त्याग किया ये कहना इसका उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं है वो भी विकार भाव था विकार को छोड़ा इसलिए सद्भूत व्यवहार और विकारी भाव का इसलिए उपचरित सद्भूत है माने राग का त्याग करना भी उपचार तो राग का तो त्याग किया है ना परद्रव्य तो जहां थे वहां है उनके प्रति राग तो त्यागा है ना उसको भी गुरुदेव ये कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो राग का त्याग भी जीव नहीं करता तो करता क्या है जीव अपने स्वरूप का लक्ष्य करता है और स्वरूप का लक्ष्य करने पर राग उत्पन्न नहीं होता इसी का नाम राग का त्याग है और कुछ भी राग का त्याग नहीं है त्याग भी नहीं सकता है राग को भी त्याग नहीं सकते हो कौन से राग को छोड़ेंगे भूतकाल के वर्तमान के भविष्य के कौन से राग को भूतकाल का राग तो उत्पन्न होके चला गया उसको तो क्या छोड़ोगे भविष्य का अभी उत्पन्न नहीं हुआ और वर्तमान का वो तो उत्पन्न हो गया अब हो गया अब उसको क्या छोड़ोगे फिर फिर कैसे त्यागोगे राग से रहित तो होते हैं ना कैसे होते हैं तो उसी को ये कहते हैं अपने स्वभाव का लक्ष्य किया स्वभाव का आश्रय किया तो अगली पर्याय में राग उत्पन्न नहीं होता उत्पन्न नहीं होता उसी का नाम त्याग किया ये कहने में आता है तो स्वभाव में तो है नहीं इसलिए स्वभाव से तो त्यागना होता नहीं है और स्वभाव में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है इसलिए ग्रहण की भी रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है इस तरह ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति अपन अनु इसमें टीका में जितना विशेष भाव दिया हुआ है उतना पढ़ करके अगली शक्ति की बात करते हैं अगली शक्ति बहुत संक्षेप में ली है पांच सौ पिचासी पेज पर त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है जो न तो कम है और न अधिक ही है ऐसे सुनिश्चित स्वरूप में रहने रूप है जिसका स्वरूप वह त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है सुनिश्चित स्वरूप में यह भगवान आत्मा स्वयं में परिपूर्ण तत्व है इसमें न तो कोई कमी है और न कुछ अधिकता ही है वो इकतीस बत्तीस गाथा में तो ऐसा कहा आत्मा को कैसे जानना चाहिए इंद्रियों को जीतना हो मोह को जीतना हो जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वो कैसे जीता मोह को कैसे जीता जो इंद्रिय जीतता दान सहावादियम मुण इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव से अपनी आत्मा को अधिक जानते हैं तो ज्ञान स्वभाव अधिक है ना हमारे पास में तो एक्स्ट्रा अतिरिक्त तो हो गया ना जो मोहम जनिता नान साहब आदि मुनदिया ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं तो अधिक का अर्थ है पुद्गल आदि द्रव्यों में नहीं है सिर्फ जीव हमारे आत्मा में है इस दृष्टि से उनसे अधिक है और वहाँ अधिक का अर्थ किया इसलिए मैं इनसे भिन्न हूँ तो उनसे वो भिन्न जानता है ज्ञान स्वभाव के आश्रय से तो ज्ञान कोई एक्स्ट्रा नहीं है है निकाल दो तो फिर तो सीधा ही जड़ हो जाएगा ना इसलिए वो वो अधिक शब्द का अर्थ दूसरा है तो न तो कम है न कोई कमी है न कुछ अधिकता ही है यदि कमी होती तो ग्रहण करना अनिवार्य हो जाता और अधिकता होती तो उसका त्याग करना भी अनिवार्य हो जाता ग्रहण और त्याग क्रमश कमी और अधिकता के सूचक है यदि हमें कुछ ग्रहण करने का भाव है तो इसका अर्थ यह हुआ अपने स्वभाव में कुछ न्यूनता का अनुभव करते हैं वह ग्रस्त पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर तो ग्रना त्यागा तो ज्यादा था अब मुनि धर्म अंगीकार किया तो कमी थी ये, ये इसलिए कहा ये अंत में लिखा हुआ है ये सब व्यवहार आश्रित कथन है व्यवहार की अपेक्षा से कथन है मुणिराज ने मुनि धर्म अंगीकार किया तो किया क्या अंगीकार करके अगले शब्द क्या लिखते टोडरमल जी निज स्वभाव साधन द्वारा निज स्वभाव की साधना की क्या किया निज स्वभाव की साधना की माने क्या किया दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वो सब कथन वगैरह तो छोड़ दीजिए अपनी आत्मा को जाना अपनी आत्मा को पहचाना अपनी आत्मा में लीन हुए ये स्वभाव की साधना है तो अभी जो परिणाम में परिणाम कर शक्ति में दिया स्वयं को स्वयं के द्वारा जाना अब दूसरे की कहा जरूरत पड़ी तो निज स्वभाव की साधना में मुनि धर्म ने क्या सहयोग किया अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्या लिया मुनि धर्म लेकर के कि जो अपने पास नहीं था वो बाहर से कुछ लिया ऐसा क्या लिया मुनि धर्म अंगीकार करके अतिरिक्त क्या लिया कुछ नहीं लिया है वो अपने पास ही था लेकिन धर्म ग्रहण किया माने किया क्या एक तरह से संकल्प किया है जो मुनि बनते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं उसमें एक वाक्य बोला जाता है सामायिक स्वरूप प्रपन्नो हम सामायिक स्वरूप प्रपन्नो हम अब मैं सामायिक स्वरूप हुआ गृहस्थ के लिए जो सामायिक रहती है ना एक निश्चित समय की होती है अब मुनिराज के लिए अब हमेशा ही सामायिक हो गई निरंतरता की अब मैं सामायिक स्वरूप हूँ समता भाव स्वरूप हूँ अब निरंतर में अपने आत्म ध्यान आत्म लीनता में रहूंगा मैं अपने द्वारा अपने में लीन रहूंगा वह दूसरे से क्या लिया है इसलिए वहा ग्रहण भी कुछ भी नहीं है न कुछ छोड़ा है न ग्रहण किया है वह अपना जो कुछ था वो अपने में उसका प्रयोग करना प्रारंभ किया ग्रहण और त्याग क्रमशः कमी और अधिकता के सूचक है यदि हमें कुछ ग्रहण करने का भाव है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने स्वभाव में कुछ न्यूनता का अनुभव करते हैं इसी प्रकार त्यागने के भाव के साथ भी यह प्रती कार्य करती है कि में कुछ अधिकता है जिसे छोड़ना आवश्यक है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे त्यागा जाए और ऐसी कोई कमी भी नहीं है कि बाहर से उसकी पूर्ति करनी पड़े भगवान आत्मा के इस परिपूर्ण स्वभाव का नाम ही त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का कथन निश्चय नयाश्रित होने से परमार्थ है सत्यार्थ है और ग्रहण त्याग की चर्चा व्यवहार नयाश्रित होने से असत्यार्थ है अभूतार्थ है तो लौकिक लो, दृष्टि से जो किया जाता है लौकिक दृष्टि की बात नहीं जिनवाणी में भी जो ग्रहण त्याग की बात की गई है वह व्यवहार नयाश्रित है और वो व्यवहार आश्रित होने से अभूतार्थ तो और असत्यार्थ तो इसका मतलब मुनिराज कुछ त्यागते छोड़ते नहीं है परिग्रह आदि छोड़ते नहीं अभूतार्थ है असत्यार्थ है उससे असली प्रयोजन सिद्ध नहीं होता वो छोड़ने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है त्यागने से किससे होता है अपने को जानकर अपने में लीन होने से। से तो इस इस से उसे और असत्यार्थ कहते व्यवहार तो है ही त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति समझने के उपरांत अब अगुरु लघुत्व शक्ति की चर्चा करते हैं यह हिंदी में तो बहुत छोटा सा दिया लेकिन संस्कृत में बहुत सारे भारी भरकम शब्द है लेकिन जो भारी भरकम शब्द है पर उन भारी भरकम शब्दों को पढ़ना है और सामान्य अर्थ ख्याल में लेना है क्यों क्योंकि उतना ही जिनवानी में मिलता है इसके संदर्भ में उससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलता आला पद्धति ग्रंथ में भी लिखा ये जो अगुरघुप शक्ति और इसकी जो स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं ये केवल ज्ञान गम्य है और आगम प्रमाण से जानने योग्य है केवल ज्ञान गम्य और आगम प्रमाण जैसा आगम में कहा लिखा है वैसा समझने जैसा है अभी मैंने कहा था कि अगुरु लघु शब्द से तो क्या अर्थ निकलता है गुरु माने बड़ा नहीं और लघु माने छोटा नहीं तो त्यागोपादान यदि त्याग करता तो लघु छोटा हो जाता जितना है उससे और यदि उपादान ग्रहण करता तो जितना है उससे थोड़ा भारी गुरु हो जाता त्यागोपादान शून्य तो न कुछ छोड़ता है ना ग्रहण करता है जैसा है वैसा अगुरु लघुत्व ठीक है लेकिन होता क्या है अगुरु लघुत्व में देखिए शटस्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप कारण विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति एक शब्द का प्रयोग करके ये भी बता दिया कि इसको अभी अपन ने जिन शब्दों में समझा ना क्या गुरु लघु एक अगुरु लघु गुण और आता है अगुरु तो सामान्य गुणों की बात नहीं अकेले और जगह भी आता है अग्र लघु गुण कहाँ आता है सिद्धों के आठ गुणों में समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म वीरजवान निराबाध गुण सिद्ध के वह भी अगुरु लघु गुण ये नहीं है वहां तो नामकर्म के अभाव में या आयु कर्म के गोत्र गोत्र कर्म के अभाव में गोत्र उच्च नीच हो रहा था गोत्र कर्म के अभाव में लघु वह गुण उसमें विशेष प्रकट हो जाता है उसकी बात भी नहीं है और वो जो सामान्य गुणों में लघुत्व है वही है अगुरु लघुत्व लेकिन जो हम वहाँ पढ़ते हैं समझते हैं एक सामान्य स्वरूप दिया उसका अगुरु लघुत्व का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते और ना ये ये विशेषता जिसके कारण से है वह लघुत्व वहां जो है यदि ये गड़बड़ हो गई जो जो गड़बड़ कही गई कि नहीं होती है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता तो एक दो में मिल गए तो भारी हो जाएंगे ना डबल गुरु हो जाएंगे और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता यदि गुण एक दूसरे में मिलते गए तो अनंत की संख्या कम होती जाएगी तो छोटा हो सकता है या गुण बिखर कर अलग अलग हो गए तो भी लघु हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता उस दृष्टि से अगर लघु तुल यहाँ कह रहे हैं विशिष्ट गुणात्मिका ये कुछ अलग ही प्रकार का विशेष गुण है विशिष्ट गुण ऐसा और वह कैसा विशिष्ट गुण है कि जो स्वरूप प्रतिस्थत्व कारण प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप रूप ही रहता है स्वरूप प्रतिष्ठत्व अपने, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा स्थित रहता है इसके लिए विशिष्ट गुण है अब वो स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण जो कहा ना वो उसका विश्लेषण किया एक तरह से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता गुण बिखर के अलग अलग ये सब अपने स्वरूप रूप से रहना लेकिन ये कहते हैं असली काम अगर लघु गुण का ये है कौन सा छठ स्थान प्रतित वृद्धि हानि परिणत ये छह स्थान वाली वृद्धि और हानि होती है छह स्थान तो छह स्थान कौन से पैर का घुटने का कमर का ऐसा छह छह हिस्से होते होंगे हा? वो छह स्थान नहीं है छह तरह से हैं वो वो छह स्थान कहा उनको और वो छे होते हैं इसमें तो वृद्धि हानि शब्द दिया वो गुण और भाग गुणा भाग वाले हैं तीन गुणा वाले और तीन भाग वाले हैं तीन गुणा और तीन भाग और वो तीन जो है वो सब जगह लगेंगे वृद्धि में भी हानि में भी वो भाग और गुणा संख्यात असंख्यात और अनंत तो एक गुणात्मक वृद्धि और भागात्मक वृद्धि तो गुण और भाग संख्यात भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि ऐसे हानि में भी ऐसी इच्छे लगाना इसलिए षटस्थान स्थान पति छे संख्यात गुणहानि असंख्यात गुण हानि अनंत गुण हानि हानि असंख्यात भाग हानि और अनंत भाग हानि गुणहानि माने गुणों की हानि ऐसा कुछ भी नहीं है तो अभी अभी तो कहा था त्यागोपादान कुछ नहीं होता और यहाँ कह रहे कि छे प्रकार से वृद्धि और छह प्रकार से हानि तो जब इतनी वृद्धि होगी तो बढ़ेगा तो सही तो और हानि होगी तो घटेगा और यहाँ ये कह रहे हैं कि ये अगुरु लघुत्व गुण है छे प्रकार से वृद्धि होना और छे प्रकार से हानि होना जिसके कारण से ये प्रत्येक द्रव्य अभी आत्मा की बात है हमारा आत्मा अपने स्वरूप रूप से रहता है ऐसा विशिष्ट गुण है वह लघु गुण है मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए ये गुण भाग शब्दों का प्रयोग किया ये गुण भाग आपके जो दुगुना तिगुना चौगुना जैसे बोलते हैं ना ऐसे संख्यात गुना असंख्यात गुना अनंत गुना वो गुणात्मक है और भाग में उसका भाग करना उससे भागात्मक करते जाना वो गुणा और भाग है ऐसी वृद्धि और हानि किसमें होती है ऐसी वृद्धि हानि प्रत्येक पर्याय की जो शक्ति होती है उस प्रत्येक पर्याय की शक्तियों के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं शक्ति के अंश होते हैं सूक्ष्म अंश होते हैं ऐसे अंश जिसके पुनः भाग नहीं किए जा सके द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चार चीजें होती ना वो हर एक की सूक्ष्म चीजें क्या क्या है द्रव्य की अपेक्षा सबसे सूक्ष्म कौन है परमाणु कालाणु भी कह सकते हो काल वाला भी कालाणु जो ना वो, वो सबसे द्रव्य की अपेक्षा सबसे छोटा है क्षेत्र की अपेक्षा सबसे छोटा प्रदेश एक प्रदेश जो एक परमाणु जितनी जगह घेरता है वो एक प्रदेश काल की अपेक्षा सबसे छोटा समय और भाव की अपेक्षा सबसे छोटा अविभागी अविभागी प्रतिच्छेद कहा जाता है और ये सब जो जो शब्द दिए ना उस सब को जिसका पुनः विभाग नहीं किया जा सकता ऐसे हैं सभी पुनः और विभाग नहीं होगा वह शक्ति का अंतिम अंश जिसका पुनः विभाग नहीं होता अब कितने अंश है वे अंश ही ऐसे घटते बढ़ते रहते हैं घटा बड़ी होती है अब कैसे होती है इसीलिए कहा कि केवल ज्ञान घब है अब इसमें दो मत चलते हैं बहुत चर्चाएं भी पहले चली क्या क्रम रहता है इसमें कि भाई पहले संख्यात भाग वृद्धि फिर असंख्यात भाग ऐसी बढ़ती जाती है क्या है फिर गुणात्मक वृद्धि होती है फिर हानि होती है पहले हानि होती फिर वृद्धि क्या होता है दो मत ये है कि अलग अलग पर्याय में किसी में हानि किसी में वृद्धि ये होता रहता है परंतु गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है ये बारह के बारह प्रत्येक पर्याय में प्रति समय होते हैं बारह के बारह बारह मतलब षट स्थान पतित वृद्धि और षटस्थान स्थान पति हानि बारह इबाराग के बारह प्रति समय होते हैं अब फिर पूछोगे कैसे होते हैं इसलिए कहा केवल ज्ञान गम्य है और आगम में जैसा लिखा है उन्हीं शब्दों में उसी तरह से हमें समझना है ये ये होते हुए और इस कारण से वस्तु वस्तु रूप बनी रहती है जैसे हमारी सांसें चलती है ना तो हम जीवित हैं। ऐसा ही समझ लीजिए द्रव्य कोई भी द्रव्य है ये निरंतर चल रहा है तब वह द्रव्य है यदि हो, ये, ये हो द्रव्य समाप्त हो जाए, सिद्ध भगवान में भी चलता है सिद्ध भगवान तो पूर्ण हो गए ना तो सिद्ध भगवान की पर्याय में भी ये अग्र लघु गुण संबंधी षट स्थान प्रति वृद्धि चलती रहती है इसलिए विशिष्ट गुणात्मक द्रव्य वैसा का वैसा बना रहता है न छोटा होता है न बड़ा होता है इसलिए वह अगुरु लघु गुण कहलाता है इसलिए इसका ज्यादा वर्णन न करते हुए छोटा सा ही वर्णन के इसको अपन पढ़ करके आज की चर्चा पूरी करते हैं अगुरु लघुत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है अगुरु लघुत्व शक्ति षट पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिस्थत्व का कारण रूप विशेष गुणात्मक है ऐसा एक विशेष गुण प्रत्येक द्रव्य में होता है आत्मा में भी ऐसा विशेष गुण है लिखाई आगे न केवल आत्मा में अपितु प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक पर्याय में षट गुणी वृद्धि और षट गुणी हानि निरंतर हुआ करती निरंतर हुआ करती है गजब की बात तो यह है वृद्धि हानि एक ही वस्तु में एक साथ ही होती है और ऐसा प्रति समय होते हुए भी न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है इसलिए मैंने कहा था कि वो शब्द शब्दों से वृद्धि हानि समझ लेना लेकिन वास्तव में कुछ वृद्धि हानि हो अब ऐसा भी कर वास्तव में नहीं होती तो हो तो रही वस्तु में हो रही है लेकिन उसके कारण से कुछ बढ़ गया कुछ घट गया ऐसा नहीं इसीलिए उसका नाम है अगुरु लघुत्व न कोई बड़ा न कोई घटा वैसी की वैसी स्वरूप प्रतिष्ठित्व जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा बने रहना इस प्रकार अगुरु लघुत्व शक्ति की चर्चा के उपरांत अब उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति की चर्चा करते हैं अब इससे संबंधित भी अठारह और उन्नीस दोनों शक्तियां उत्पाद वे ध्रुव से संबंधित है ये उत्पाद ध्रुवत्व और अगली उन्नीसवी परिणाम है दोनों एक सी है इनकी चर्चा अपन आगे कल पे